वाटर पार्क्स किसे पसंद नहीं है। गर्मियों के दिनों में वाटर पार्क्स के पानी पर आनंद लेने का एक अलग ही मजा है। बहुत ही रोमांचक और जादुई अनुभव देने वाले ये वाटर स्लाइड्स सबको आकर्षित करते हैं। अगर आप इस गर्मी के लिए मजेदार और अलग अलग चीजों की तलाश कर रहे हैं तो आपको दुनिया के कुछ सबसे अनोखे वाटर स्लाइड्स के बारे में जांच करनी चाहिए। लेकिन कुछ वाटर स्लाइड्स बहुत ही मजेदार, तेज और विचित्र होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी होते हैं। आज हम दुनिया भर में मौजूद ऐसे ही कुछ खतरनाक वाटर स्लाइड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। लीप ऑफ फेथ वाटर स्लाइड्स बहामास के अटलांटिस पैराडाइज द्वीप पर स्थित है। इस खतरनाक स्लाइड में राइडर्स को 60 फुट नीचे तक ले जाया जाता है। ये स्लाइड एक बहुत ही ऊंचाई पर शुरू होती है और इससे भी आश्चर्यजनक बात तो ये है कि ये स्लाइड शार्क से भरे एक पूल से गुजरती है। दरअसल ये स्लाइड एक ट्रांसपेरेंट अंडरवाटर सुरंग द्वारा संरक्षित है जो इसे अच्छा और सुरक्षित बनाते हैं। इंसेनो वाटर पार्क ब्राजील में स्थित ये दुनिया के सबसे ऊंचे वाटर स्लाइड्स में से एक है, जिसकी ऊंचाई 130 फीट है। इस स्लाइड की ऊंचाई एक 14 मंजिल इमारत के समान है, जिससे नीचे आने में 5 सेकंड से भी कम समय लगता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की रफ्तार 65 माइल्स प्रति घंटे की होती है। ये वाटर पार्क ब्राजील के सबसे बड़े पर्यटन आकर्षणों में से एक है। विरक्ट जर्मनी में स्थित विरक्ट वाटर स्लाइड दुनिया का सबसे ऊंचा वाटर पार्क है। इस खतरनाक वाटर स्लाइड की ऊंचाई 168 फीट है, जो एक 17 मंजिला इमारत के समान है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस स्लाइड को सबसे ऊंचे वाटर स्लाइड का दर्जा मिला हुआ है। इस स्लाइड में राइडर्स को 65 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे धकेला जाता है। हालांकि एक 10 साल के लड़के की यहां पर राइड करते वक्त मौत हो जाने के बाद ये वाटर स्लाइड स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। स्कॉर्पियंस टेल यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित एक बड़ा सा लूप वाला ये स्कॉर्पियंस टेल वाटर स्लाइड देखने में बिल्कुल एक स्कॉर्पियो यानी बिच्छू की टेल की तरह है। 400 फीट लंबी और 10 मंजिला इमारत की समान ऊंचाई वाली ये जगह आपको अपने भय को दूर करने में आपकी काफी मदद करेगी। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।